नर्मदा जिल्लाना एकता नगर खाते आवेला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ने केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुखभाई मांडविया तेमज देशना विविध राज्यों अने केंद्र शासित प्रदेशों आरोग्य मंत्रीओ सचिवों तबीबी निष्णातोए मुलाकात लई धन्यतानो भाव व्यक्त कर्यो हतो। केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुखभाई मांडविया जणाव्युं हतुं के सरदार साहेबनी विशाळ प्रतिमा भारतनी एकता अने अखंडितानी प्रतिकरूप छे अने सरदार साहेबनुं व्यक्तित्व स्टेच्यू ऑफ यूनिटीनी प्रतिमा करता पण ऊंचुं छे। જ્યારે મંત્રી માંડવિયા તેમજ અન્ય મહાનુભાવોએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વ્યુઇંગ ગેલેરી પ્રતિમાના હૃદય સ્થાનેથી અદ્ભુત નજારો અને વિંધ્યાચલ સાતપુડા ગિરિમાળાનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય પણ નિહાળ્યું હતું। આજ મેને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કી મુલાકાત કી વિઝિટ કી જબ જબ મેં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આતા હું तब मुझे एक अलग सा फीलिंग होता है, काश सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो। ये विचार से ही मेरा दिल में झसक आ जाती है। 562 रियासत को एक करना और अखंड भारत का निर्माण करना ये कोई छोटी बात नहीं थी, छोटा काम नहीं था, परंतु सरदार साहब ने करके बताया, तब जाके आज हम भारत में और एक विशाल भारत दुनिया के सामने एक सशक्त भारत के रूप में उभर रहा है। जब मैं गुजरात में विधायक था, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि हम सरदार साहब की ऊंचाई के बराबर उसका सम्मान कैसे दें। तब उन्होंने इन्वेसेज किया था कि हम दुनिया का सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू बना के हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि दें। और आज विश्व का सबसे बड़ा स्टेच्यू देखने के लिए, और नहीं केवल दुनिया आके सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू को देखती है, लेकिन उसमें रही हुई अपार शक्तियों को भी वो निरखते हैं। वो केवल और उसकी स्टेच्यू की केवल ऊंचाई ही नहीं, उसकी ऊंचाई से अधिक ऊंचा उसका व्यक्तित्व था, ये भी यहाँ म्यूजियम में हम सब देख सकते हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये महान कृति को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कह ये महान कार्य को हृदय से वंदन करता हूँ।